Hi guys, मैं हूँ दीपिका खकर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो यस, ये बन रही है शोएब की चाय और ये बन रहा है शोएब के लिए पोहा। एक्चुअली निकू नहीं है, तो जब से निकू नहीं है तब से मैं शोएब को नाश्ता बना के दे रही हूँ और आज शोएब नाश्ते में जो है पोहा लेके जा रहे हैं और अभी जल्दी से वो बना लेते हैं क्योंकि अभी 45 मिनट्स हैं उनके निकलने में, सब आराम से बन जाए। ये सबसे पहले डाला राई, उसके बाद कड़ी पत्ता, फिर थोड़ी कटी हुई हरी मिर्च, उसको सौते किया, फिर डाले कटे हुए प्याज, उसको अच्छे से हमने सौते किया। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ट्रांसफ्यूजन करना है। उसके बाद ये देखिए, मैंने मूंगफली जो है फ्राई करके रखी थी, छिलके के बिना बिल्कुल सही है, छिलके के साथ ऐसे लग रहा है ज़्यादा फ्राई हो गई है, बिल्कुल ज़्यादा फ्राई नहीं है। इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और फिर ये देखिए, साइड में मैंने पोहा जो है धो के इसमें हल्दी, नमक और शुगर मिक्स करके अच्छे से रख दिया था। ये देखिए कितने अच्छे से खुला खुला है ना, ये आप धो के छन्नी में रख देंगे तो ऐसा ही होगा। अब हम इसमें डाल देंगे ये पूरा पोहा, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ना इसे हम ढक के थोड़ी देर छोड़ देंगे एकदम लो फ्लेम पे। ये देखिए डन हमारा पोहा, और इसमें मैंने ऊपर से डाल दिया है हरा धनिया, अभी एक लास्ट मिक्स, उसके बाद मैं इसे डब्बे में पैक कर दूंगी। ये देखिए डन। सो चलिए, शोएब का टिफ़िन हो गया रेडी, ये पोहे का बॉक्स, ये मैंने चाय के साथ अगर टोस्ट खाने हो तो टोस्ट भी पैक करके रख दिए और वो दो थर्मस में चाय, डन। कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसे हो रहा है कि रात में मेरे पैरों में दर्द थोड़ा सा शुरू हो जाता है, अनइजीनेस शुरू हो जाती है और उस वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आती है और फिर दिन का पूरा शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है। तो आज बहुत अनईजी लग रहा था, दिन में भी मैंने दो तीन बार सोने की कोशिश की लेकिन आधे आधे घंटे में नींद टूट रही है क्योंकि पैर में पेन भी है और अनईजीनेस भी है। तो मैंने डॉक्टर गोयल को फ़ोन किया और मैंने बोला कि डॉक्टर गोयल कुछ कर सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए, तो इसीलिए मैं आ गई हूँ क्यूटिस। और चलिए आज आपको भी बताती हूँ कि यहाँ पे क्या करने वाले हैं। आई थिंक जितना मुझे कनिका ने बताया कि हाँ अब ये थर्ड ट्राइमेस्टर के जो चैलेंजेस हैं वो शुरू हो जाएंगे कोई बात नहीं, तो चलिए अब करते हैं थोड़ी सी क्यूटिस में पैम्परिंग। मैं पहुँच गई हूँ और आपको भी बताते हैं कि हम क्या क्या केयर कर सकते हैं। यस, सो आ गई हूँ मैं अपने थेरेपी रूम के अंदर। ऑलरेडी शाहीन ने क्लेंजिंग वगैरह कर ली है। एक्चुअली मैं आई और डॉक्टर गोयल भी आराम से फ्री बैठी थी, तो बहुत समय बाद हम मिले हैं, तो पहले तो आधा घंटा हमने बैठ के खूब सारी गप्पे मारी। और फिर ये रही शाहीन। Hi. कैसी हो? अच्छी, आप कैसे हो? इतने दिनों बाद मिल रहे ना। सो यस, प्रेगनेंसी में भी अपना फेस केयर करना और चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को पैम्पर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मदर ठीक रहेगी हर वे में, मेंटली, मतलब जस्ट अगर आपको खुशी भी मिलती है ये करके तो भी करना चाहिए क्योंकि वही वाइब्स हम अपने बेबी को देते हैं। और अभी आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं करा रही, आज हम सिर्फ क्लेंजिंग कर रहे हैं अच्छे से और फिर ये मुझे रिलैक्सेशन अच्छे से करके देगी। जैसे कि मैंने कहा कि आज मैं बहुत एक थोड़ी सी टायर्ड फील कर रही हूँ और इसके बाद मैं आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में स्पेसिफिकली हमें स्किन केयर में क्या ध्यान रखना चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या चीज़ें इज़ अ स्ट्रिक्ट नो, तो वो हम डॉक्टर गोयल से बात करेंगे। ठीक है, मेरे लिए तो ऐसे लग रहा है कि मैं गुड मॉर्निंग कर रही हूँ वापस से, बिकॉज मैं इतना रिलैक्स हो गई और इतने अमेजिंग तरीके से मैं थोड़ी देर के लिए सो भी गई थी, शाहीन ने बहुत अच्छे से मसाज वगैरह किया। सो अब यहाँ पे डॉक्टर गोयल मेरे साथ हैं। आज कितने दिनों बाद आई हूँ ना मैं? I know, बहुत अच्छा, बहुत दिनों बाद आई हूँ। सो यस, अब आई हूँ और मैंने अपनी रिलैक्सेशन की है और स्किन केयर तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैम घर पे भेजती रहती हैं तो माय स्किन केयर इज़ इन प्लेस, लेकिन ये मौका आप सबको बता, हमने हर चीज़ शेयर की है, ब्राइडल स्किन केयर कैसा होना चाहिए एंड LHR के बारे में डिटेल, नॉर्मल स्किन केयर में आपको क्या क्या करना चाहिए। तो अब ये आई एम श्योर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेडीज़ खुद थकती हैं, ऊपर नीचे होती हैं बहुत सारी चीज़ें, तो कई बार हम स्किन पे ध्यान नहीं देते। सो आप प्लीज़ जल्दी से क्विकली बताइए कि घर पे रह के क्या किया जा सकता है, यहाँ पे आके क्या ट्रीटमेंट्स की जा सकती हैं एंड क्या ट्रीटमेंट्स अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। Absolutely. क्योंकि ऑब्वियसली द बेबी इज इनसाइड यू, सो देर आर टू मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू अवॉइड एंड देर आर टू मेनी मिथ्स ऑल्सो।
सो प्लीज। थैंक यू दीपिका, बिल्कुल सही बोला आपने कि प्रेगनेंसी से जुड़े हुए बहुत सारे मिथ्स भी हैं, करेक्ट, लेकिन बहुत सारी ऐसी नॉलेज भी कम है, तो बहुत लोगों को नहीं पता होता कि हम क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं, तो उस कंफ्यूजन में वो कुछ भी नहीं लगाते। हाँ एग्जैक्टली, सो स्किन इग्नोर हो जाती है। एंड ऑफकोर्स यू नो प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे एक कंडीशन है ऐसे बॉडी की जहाँ एक्चुअली बॉडी को एक्स्ट्रा नरिशमेंट भी मिलता है बिकॉज ब्लड सप्लाई बढ़ती है। तो आपने शायद नोटिस भी किया होगा बाल, आपके भी बाल एक्चुअली दीपिका लंबे हुए हैं, है ना, नेल्स जल्दी बढ़ते हैं, बाल जल्दी ग्रो करते हैं। ऑफकोर्स हॉर्मोन्स के बढ़ने की वजह से जैसे हम वो प्रेगनेंसी ग्लो बोलते हैं वो होता है, अगर आप वेट थोड़ा पुट डाउन करते हैं तो उससे भी स्किन यू नो ज़्यादा स्ट्रेच और ग्लोई होती है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के बिगनिंग में अपनी स्किन केयर स्टार्ट करें तो कुछ बेसिक प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। सबसे पहले आपको एक माइल्ड क्लेंजर यूज़ करना है, सोप अवॉइड कीजिए इस वक्त। माइल्ड क्लेंजर यू कैन यूज़ एटलीस्ट 2 times a day टू क्लेंज योर फेस। उसके बाद टोनर डिपेंड करता है, कभी कभी अगर आपकी बहुत एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है तो आप टोनर यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है और अगर आपको थायराइड भी है तो आप टोनर अवॉइड कीजिए। सो जो वो CTM है वो जनरली हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होता है। तो आई वुड से कि आप पहले क्लेंज करें स्किन को, उसके बाद एक सीरम। सीरम यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप ना रेटिनॉल, ग्लाइकोलिक एसिड, सैल्सिलिक एसिड ये चीज़ें अवॉइड करें, बिकॉज ये इरिटेट करती है स्किन को। स्किन आपकी ना इस वक्त बहुत अनस्टेबल हो जाती है, जैसे जैसे यू गो एडवांसिंग इन प्रेगनेंसी हॉर्मोन चेंजेस की वजह से आप ये देखेंगे कि स्किन में काफ़ी चेंजेस आते हैं। अभी मैं दीपिका की स्किन देख रही हूँ, अभी काफ़ी डिफरेंट है। इन द बिगनिंग ऑफ योर यू नो फर्स्ट ट्राइमेस्टर द स्किन वॉज वेरी डिफरेंट। तो येस, आपकी स्किन थोड़ी अनस्टेबल होगी, थोड़ी फ्लक्चुएट करेगी, तो ऐसे में आप कोई भी AHAs, BHAs और रेटिनॉल्स अपनी फेस पर अवॉइड करें। लेकिन बेसिक जो आपको एक चीज जो आप यूज कर सकते हैं जिसमें एसिड भी जुड़ा है वर्ड, और वो है हाइलुरोनिक एसिड। एक्चुअली हाइलुरोनिक एसिड एसिड नहीं है, ये एक मिसनोमर है। तो मॉर्निंग में फेस वॉश करके हाइलुरोनिक एसिड लगा के फिर यूज अ मॉइस्चराइजर, और सनस्क्रीन आपको डेफिनेटली यूज करनी है बिकॉज इस वक्त स्किन में बहुत मेलानिन बनता है। okay. तो आप देखेंगे कि निपल्स या स्टमक एरिया बहुत डार्क भी हो जाते हैं, बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि पिगमेंटेशन बढ़ रहा है, आपकी बॉडी में ना इन एरियाज में एक्सेस मेलानिन बनता है। okay. हमारे यहाँ पे नेवल से नीचे प्यूबिक एरिया तक एक वाइट लाइन होती है जिसे हम नॉर्मली मेडिकली लीनिया एल्बा बोलते हैं, वो लाइट रहती है, लेकिन ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर वो डार्क हो जाती है और उसे लीनियर नाइग्रा बोलते हैं। हाँ, अगर आपके फेस पे कोई मोल्स या फ्रेकल्स हैं जो थोड़े सोए हुए पड़े हुए वो भी डार्क हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो बेसिकली ससेप्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है बिकॉज उन एरियाज में मेलानिन प्रोड्यूस ज्यादा होता है। okay. तो इसलिए सन प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा वैसे ओरल सनस्क्रीन की बात करती हूँ, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप वो अवॉइड कीजिए। तो यू कैन यूज टॉपिकल सनस्क्रीन, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप बेस्ट सनस्क्रीन तो कपड़े हैं। आप फुल स्लीव पहन सकते हो, अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो लूज कपड़े पहनिए, लेकिन वो कवर होके रहे तो आपकी उतनी सनस्क्रीन की नीड कम हो जाती है। लेकिन ऑफकोर्स फेस पे सनस्क्रीन आपको लगानी चाहिए। प्रेगनेंसी में आई एडवाइस कि आप 2 times a day लगाइए सनस्क्रीन, और क्योंकि वैसे भी अगर आप सनस्क्रीन से पहले वी शुड वॉश आवर फेस, राइट? यू शुड वॉश द फेस जब हम रीटच कर रहे हैं। आप रीटच कर रहे हो? नहीं, उसमें इट्स ओके। ओह रियली? यू कैन रीअप्लाई, या यू डोंट हैव टू वॉश, नहीं तो यू विल ओवर ड्राई द स्किन। अगर आप फिर पूरा प्रोसेस करोगे तो ओवर ड्राई कर दोगे। ओके। हाँ, तो फर्स्ट टाइम यू क्लेंज, यू पुट द सीरम, प्रेफरेबली हाइलुरोनिक एसिड विच इज अ गुड सीरम विच यू कैन यूज इन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, देन यू यूज अ मॉइस्चराइजर एंड देन यू पुट अ सनस्क्रीन। ओके। एंड हाँ, अगर आप मेकअप भी लगा रहे हो सो इट्स ओके वंस यू आर अवेयर के मेकअप में इंग्रेडिएंट्स क्या है, इज इट प्रेगनेंसी सेफ, बट दैट मेकअप आल्सो शुड गो ऑन द स्किन नाउ आफ्टर द सनस्क्रीन। ओके। नॉट इन द बिग, नॉट इन द बिग। हाँ, सो मेकअप हार्डली गेट्स टू टच योर स्किन। करेक्ट। बट यस, इट्स ओके टू फील गुड, टू लुक गुड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो आप मेकअप यूज कर सकते हो। इस बात से तो मैं पूरी तरीके से एग्री करती हूँ कि प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज है जिसमें आपके बहुत लोज होते हैं, एंड अगर आप अपने पे थोड़ी मेहनत करो एंड यू टेक एफर्ट कि कुछ दिन आप अच्छे लगो, चाहे वो मेकअप लगा के है, चाहे वो स्किन केयर हेयर केयर करके है, यू नो अंदर से वो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है एंड खुद को भी थोड़ा अच्छा लगता है और मूड भी थोड़ा अच्छा रहता है। सो ये तो हो गई एप्लीकेशन वगैरह की बातें। नाउ टॉकिंग अबाउट क्यूटिस, हम यहाँ आके क्या ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं और कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं जो आपकी तरफ से आप बोलते हो कि स्ट्रिक्ट नो है, बिकॉज आई थिंक अगर आप नहीं होते, मतलब हमारा जो ट्रस्ट
आपका और मेरा बिल्ड है, तो शायद मैं ऐसे किसी क्लिनिक में कदम भी नहीं रखती प्रेगनेंसी के दौरान, बिकॉज एक वो बहुत बड़ा फियर रहता है. तो बिकॉज आई ट्रस्ट यू सो मच इज दैट आई वॉज लाइक कि नहीं, यहाँ तो यू नो आई कैन ब्लाइंडली गो, कुछ गड़बड़ नहीं होगी. सो प्लीज बताइए कि क्या कर सकते हैं और क्या चीजें हैं जो क्यूटस में भी आप स्ट्रिक्टली प्रेगनेंसी में अवॉइड करवा देते हो. सो पहली चीज़ तो बिकॉज मुझे यहाँ एडवांटेज मिल रहा है कि मैं दीपिका के ब्लॉग पे हूँ, तो यू नो प्रेगनेंसी में ये इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हो, क्योंकि अगर हम बेबी की सेफ्टी की बात करते हैं तो हाउ विल द बेबी गेट अफेक्टेड, हाउ इज द बेबी कनेक्टेड टू मदर थ्रू प्लेसेंटा, राइट. अभी जब हम कोई भी ड्रग स्टडी करते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक है, पेन किलर है, कोई भी मेडिकेशन है, तो उसका यू नो उसकी प्रॉपर्टीज में होता है कि ये प्लेसेंटा क्रॉस करती है, ये प्लेसेंटा नहीं क्रॉस करती है. ओके. तो देयर नॉट एवरीथिंग व्हिच अ मदर ईट्स गोज टू द बेबी. ओके ओके. दैट इज आल्सो अ मिथ. सो देयर आर सर्टेन ड्रग्स व्हिच जो भी डॉक्टर आपको मेडिकेशन लिखेंगे दे विल टेल यू. आई टेल माय पेशेंट्स के बी वेरी कॉशियस ऑफ व्हाट यू पुट इन योर माउथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इवन अ सिंपल पेन किलर कैन क्रॉस ओवर एन इफेक्ट, सो प्लीज बी कॉशियस. ऑफ कोर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, आपको कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, यू हैव थ्रोट इन्फेक्शन, यू विल टेक मेडिकेशन, बट देर आर फ्यू एंटीबायोटिक्स विच आर सेफ, फ्यू विच आर नॉट सेफ. कमिंग फ्रॉम डर्मेटोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, मोस्ट ऑफ हमारी जो ओरल मेडिकेशन है वी डू नॉट एडवाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. करेक्ट. हाउएवर एक कंडीशन होती है पिगमेंटेड पर्प्यूरिक डर्मेटोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, PPPD. एनीवेज बहुत लंबा नाम है. सिंपली क्या है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में शुरू होती है और थर्ड ट्राइमेस्टर तक ना आपको बहुत इचिंग फील हो सकती है बॉडी में. ओके. एंड इवन जैसे यू नो प्रेगनेंसी में बिकॉज टमी ग्रोज एंड ब्रेस्ट ऑल्सो बिकम्स एनलार्ज, सो बॉडी स्किन बहुत रब करती है. उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है. करेक्ट. अंडर आर्म्स है, ब्रेस्ट के नीचे है, ग्रोइन में, तो आपको ट्रीटमेंट तो लेना होगा. तो यहाँ कुछ ओरल एंटी फंगल सेफ है, कुछ नहीं है सेफ. ओके. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट ऑफकोर्स इसलिए आप कोई भी केमिस्ट से या किसी और का प्रिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं कीजिए, गो टू योर डॉक्टर, वो आपको प्रॉपरली बताएंगे कि आप क्या ले सकते हो क्या नहीं ले सकते. आई थिंक प्रेगनेंसी का एक गोल्डन रूल जो मैंने भी फॉलो किया है वो जरूर करना चाहिए कि कुछ भी किसी के कहने सुनने पे मत करो, जस्ट कॉल योर डॉक्टर. मतलब मैंने तो छोटी सी आम खा सकती हूँ, बादाम खा सकती हूँ, ये छोटी से छोटी चीज के लिए मैंने अपनी डॉक्टर को मैसेज किया है. बट यू नो व्हेन यू आर ईटिंग इट, एटलीस्ट यू आर श्योर कि हाँ आपने अपने डॉक्टर को बताया हुआ है. सो दैट रियली हेल्प्स. यस. सो आप क्या खा रहे हैं ये आप कॉशियस रहिए. अब रही बात ट्रीटमेंट्स की, सो हमारे कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनमें वो बॉडी के थ्रू पास होता है. जैसे हम रेडियो फ्रिक्वेंसी करते हैं, तो वहां आपने देखा होगा कि हम एक पैड लगाते हैं आपकी बॉडी पे. ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट आप अवॉइड कीजिए. हम यूजली केमिकल पील्स भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड करते हैं, ओनली माइल्ड पार्टी पील्स जिसमें अगेन हाइलुरोनिक एसिड या मेट्रिक्स जेल होता है, सिर्फ वो करते हैं ग्लो के लिए. अदरवाइज दैट ऑल्सो कैन बी अवॉइडेड. हाँ, कुछ प्रोसीजर्स जैसे लेजर हेयर रिमूवल. लेजर हेयर रिमूवल एक्चुअली दीपिका अगर आपको याद हो हमने अपने जो हमने डिटेल ब्लॉक किया था लेजर हेयर रिमूवल पे, वहां भी शायद ये बात हुई थी. तो लेजर हेयर रिमूवल देखिए ये ना एक इसमें दो थॉट्स है. पहला ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स बाल बढ़ते हैं. करेक्ट. सपोज हम जैसे फेस की बात कर रहे हैं, जो हार्मोनल हेयर है वो ऑब्वियसली कुछ लेडीज को बाल नहीं होते उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आ जाते हैं या पोस्ट प्रेगनेंसी, कुछ को जिन्हें कम बाल होते हैं वो बढ़ जाते हैं. ऐसे में आपको लेजर करना साइंटिफिकली सेफ है, आपके बेबी को लेजर से कोई हार्म नहीं हो रहा है. लेकिन ये हो सकता है कि आपके रिजल्ट्स उतने नहीं आए बिकॉज ऑलरेडी जो बाल आप लेजर से कम कर रहे हो वो हार्मोन से बढ़ रहे हैं या न्यू हेयर आ रहे हैं. okay. तो ये आपको यू नो सम लेडीज देन प्रिफर के अब हम डिलीवरी के बाद ही लेजर करेंगे. okay. लेकिन साइंटिफिकली लाइक इनफैक्ट आई हैव लॉट ऑफ वुमेन हु डू बिकिनी लेजर before going in for labor. Oh. Because they do not want even here in India. Yes, yes. Really? Yes. Because this is news for me, because maine hamesha ye suna hai ki LHR is not safe. तो मैंने तो अब तक अपना कोई मैंने सेशन नहीं लिया है. बट LHR साइंटिफिकली इट इज सेफ, बट वही होता है कि जैसे सपोज आपके 5 सेशन आपने प्रेगनेंसी में किए तो ऐसा हो सकता है कि आपको और सेशन चाहिए. okay. बाद okay, में okay, okay. लेकिन बस मेरा मानना ये है कि कंपेयर टू यू नो वैक्सिंग, शेविंग, थ्रेडिंग, प्लकिंग, ब्लीचिंग, उससे तो स्टिल लेजर इज अ बेटर वे. और फिर यू नो 9 महीने आपको कोई यू डोंट हैव टू बिकम अ बेयर. Yeah. Yeah, all over the body. है ना? तो कुछ तो आप करोगे तो उससे बेटर है
right? Yeah. But of course, the hygiene, everything is very important. Very important. Because we can't Absolutely. Leave anything to chance, especially jo diabetic mothers hain. Right. We specially take care ke unki blood sugar controlled ho. Right. Agar uncontrolled hoti hai, to we avoid. Because okay. after all, you know, we are going to shave Correct. The area and Correct. Pass the laser. Correct. Correct. And unko to main advise karungi ki aap vaccine wagera bhi nahi karein. अगर आपको रियली बाल बॉदर करे तो बस यू नो यू कैन डू वेट शेविंग अवॉइड एनीथिंग एल्स बिकॉज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन हेयर इन्फेक्शन फॉलिकुलाइटिस इज हायर ओके ओके सो दिस इज अ पीस ऑफ न्यूज फॉर मी ऑल्सो सो या रही बात क्यूटिस में इंजेक्टेबल्स बोटॉक्स और फिलर करें क्या फॉर मी आई डू नॉट डू बोटॉक्स एंड फिलर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सो यू कैन अवॉइड इट और यू कैन टॉक टू योर डॉक्टर हुम यू आर टॉकिंग टू एंड द सर्जिकल प्रोसीजर्स जो हम करते हैं जैसे थ्रेड्स वगैरह दैट वी कंप्लीटली अवॉइड बिकॉज आई ऑल्सो सी दैट देर इज अ पेन थ्रेशोल्ड इज वेरी डिफरेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सो द इन्वेसिव प्रोसीजर्स लाइक अगर आपको कोई सर्जिकल करवाना है नेल एक्सेशन है मोल्ड सर्जरी है दैट वी अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज प्रेगनेंसी इज ऑल्सो अ टाइम वेन यू नो योर मूड्स एंड योर एब्सोल्युटली मतलब वो इतना सा राई का पहाड़ इस दौरान बहुत आसानी से बनता है और अपने आपको पैम्पर कीजिए सो बहुत सारे मास्क होते हैं जो आप घर पे बना सकते हैं प्लीज पैम्पर योर बॉडी शायद ये नेचर ने एक ऐसा टाइम दिया आपको कि आप अपनी बॉडी को पैम्पर करें सो बहुत सारे जैसे चीट मास्क हैं पीओ मास्क हैं क्रीम मास्क हैं वो आप यूज कीजिए बॉडी के लिए भी बहुत सारी घरेलू रेमेडीज हैं विच वी हैव स्पोकन इन आवर अर्लियर ब्लॉग्स आल्सो सो आप यू नो कुछ भी घर पे यूज ऑल दीज थिंग्स बट याद रखिए अगर कोई भी इरिटेशन स्किन में होता है तो उसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए एंड टॉकिंग अबाउट हियर यू कैन कम हियर फॉर क्लीनअप्स फॉर फेशियल्स फॉर पील्स एंड बाकी जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि क्लेनलीनेस का बहुत ध्यान रखा जाता है तो क्यूटिस स्पेसिफिकली क्योंकि मैं इतना रेगुलर हिस्सा हूं यहाँ का तो इसके यहाँ के हाइजीन और क्लेनलीनेस की गारंटी मैं लेती हूँ उसका कोई भी मतलब सेकेंड थॉट देने की भी जरूरत नहीं है बट येस आप लोग जो भी अपने डोमैट्स के पास जा रहे हैं आई थिंक जस्ट हैव अ ट्रस्टवर्दी डोमैट विथ यू एंड डू ऑल द प्रोसीजर्स इन कंसल्टेशन तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी थैंक यू आपकी एब्सेंस का फायदा उठा के ना हाँ, 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 ये देखो कौन आया जब मैं इससे बात कर रहा था ना कि पहुंच गई गप्पे हो गए उसके बाद हाँ हम बहुत देर बैठ के हमने आराम से गप्पे मारी है ना फिर हमने डन तो आज शुएब का भी जल्दी पैकअप हो गया उन्होंने यहाँ आके मुझे सरप्राइज दे दिया आजकल आप सरप्राइज बड़े दे रहे हो शुएब वेरी गुड हाँ तो आपकी भी पैम्परिंग हो गई आज हाँ बहुत अच्छे टाइम नहीं मिला बहुत थके हुए थे आप है ना he just slept off चलो अच्छा तो ये थी कल की क्लिप जब मैं गई थी क्यूटस और वहां पे शोएब भी आ गए मुझे सरप्राइज देने के लिए और लगे हाथ शोएब की भी स्किन पैम्परिंग हो गई एंड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जो डॉक्टर गोयल ने बताई जेन्युइनली काफी चीजें मुझे भी नहीं पता थी बट यू नो इट्स ऑल अबाउट आप जिस चीज के लिए कन्विंस्ड हो लाइक ये सुन मैम से सुनने के बाद भी शायद मैं कन्विंस नहीं होंगी कि मैं LHR करूं तो मैं नहीं करवाऊंगी एंड मैम नोज दैट लेकिन यस सौ बात की एक बात अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं सारी एक्सपेक्टिंग मदर्स को ये बोलना चाहूंगी कि अपना बहुत ख्याल रखें और जहां जहां मौका मिलता है खूब पैम्परिंग करें एंड खूब इंजॉय करें स्पेशली जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें क्योंकि उसमें आपको काफ़ी कंफर्ट जोन रहता है एंड अभी मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर जस्ट स्टार्ट हुआ है तो अभी भी मेरी जो एनर्जी वगैरह है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है बस छोटे मोटे इश्यूज हैं जैसे कि वो लेग की स्वेलिंग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ एंड ऑफ लेट मुझे रात में बिल्कुल नींद नहीं आ रही है तो उस वजह से मेरा दिन पूरा गड़बड़ा जाता है बट मैं दिन में सो लेती हूँ सो एज लॉन्ग एज आई एम कंप्लीटिंग माई स्लीप दैट्स ओके सो यस ये था एक काफ़ी अच्छा खासा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जो डॉक्टर गोयल ने काफ़ी चीज़ें बताई और काफ़ी चीज़ों में हमको एजुकेट किया सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा बहुत जल्द मिलेंगे नए व्लॉग में लव यू ऑल